तो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर पर। अब दोस्तों, सलार मूवी की डे 15 की यानी कि 15वें दिन की 5 जनवरी की एडवांस बुकिंग की फर्स्ट रिपोर्ट निकलकर सामने आ चुकी है, जो कि लिटरली शॉकिंग एडवांस की रिपोर्ट है। हमें लगा था कि वर्किंग डेज में सलार मूवी डिप लेती हुई नजर आएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंटिन्यू हमें बॉक्स ऑफिस पर रोर मचाती हुई नजर आ रही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि 5 जनवरी की फर्स्ट रिपोर्ट में सलार की कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों, तेलुगु की 2D से 20 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 12,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। तेलुगु के IMAX वर्जन से 70,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 88 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। तमिल की 2D से 2 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 1200 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। कन्नड़ा की 2D से 1 लाख की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 600 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। मलयालम की 2D से 90,000 की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 470 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। वहीं अगर हम दोस्तों हिंदी लैंग्वेज हिंदी बेल्ट पर आते हैं, तो हिंदी की 2D से 12 लाख रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 6,844 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। और हिंदी के IMAX वर्जन से 40,000 रुपए की एडवांस बुकिंग हुई है, जिसमें 48 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अगर हम हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा पांचों लैंग्वेज का टोटल कर देते हैं, तो सलार मूवी की 15वें दिन की एडवांस बुकिंग की फर्स्ट रिपोर्ट में जो एडवांस बुकिंग है वो 35 लाख यानी कि 35 लाख रुपए की हो चुकी है, जिसमें 22,000 टिकट सोल्ड आउट हुए हैं। अब दोस्तों, अभी 15 घंटे का समय बाकी है डे 15 की ऑफिशियल एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आने में, और तब तक कम से कम ये 60 से 65 लाख की एडवांस बुकिंग हमें करते हुए नजर आएगी। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, 650 करोड़ के क्लब में सलार जा चुकी है, क्या ये 750 या 800 करोड़ के क्लब तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही मूवीज से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रखिए आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी फॉरएवर को।